नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेता में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा जेई पीवे के बारे में। रेलवे में जेई पीवे एक पोस्ट होता है, पीडब्ल्यूआई जिसे कहते हैं, परमानेंट वे इंस्पेक्टर। जेई में जो सिविल कंप्लीट करके आते हैं उनको कई पोस्ट दिए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिकल से आते हैं अलग आते हैं। इसमें मैं जेई सिविल के पीवे के बारे में बात करूंगा। इसमें जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या काम करते हैं, ट्रेनिंग लेके दोनों रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आने के बाद जब इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है, इनका पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है वहां से ट्रेनिंग लेके 4200 ग्रेड पे का जॉब होता है। ये आने के बाद इनका एक्चुअली वर्क रहता है, जितने भी ट्रैक में किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, चाहे ट्रैक टूट जाए या ट्रैक का रिप्लेसमेंट करना है, या मान लीजिए ट्रैक के बीच के किसी भी चीज को बदलना है, कोई भी ट्रैक रिलेटेड, ट्रैक बह जाता है, ट्रैक रिलेटेड वर्क है कोई भी, तो ये जेई पीवे ही करता है। इनके अंदर में कई ट्रैक मेंटेनर, गेटमैन, पेट्रोलमैन, गैंगमैन, ये सब सभी काम करते हैं और ये ट्रैक को हमेशा रख रखाव के लिए काम करते हैं। गाड़ी कहां से कितने स्पीड पे गुजरे, कभी आप देखते होंगे रेलवे में जाते हुए सफर करते वक्त, एक कहीं रेलवे 90 और 100 के स्पीड से जा रही है, कहीं 110 से और कहीं 30 से ही जा रही है, तो वो ट्रैक के लिए स्पीड का भी इंस्ट्रक्शन इन्हीं के द्वारा दिया जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में अभी काम हुआ है, या इस पर्टिकुलर एरिया में कोई कमजोरी हो गई है, या इस पर्टिकुलर एरिया में किसी रीजन से इसके स्पीड को कम करना पड़ेगा, यहां आप नॉर्मल स्पीड से जा सकते हैं, तो सारे स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इन्हीं के द्वारा लगाए जाते हैं। इनका जो पोस्ट होता है वो 4200 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, यानी 35400 के पे स्केल से शुरुआत होती है, वही 54-55 हजार जाता है एक क्लास सिटी में। साथ में इनको लगभग 20 से 25 हजार का ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है, जो इनकी सैलरी को इंक्रीज करके पहुंचा देता है 74 से 75 हजार, आराम से पहुंचा देता है। इनकी नाइट ड्यूटी नहीं होती है, लेकिन ये अपने मन से नाइट इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन नाइट ड्यूटी इनकी नहीं होती है, इनकी डे वर्किंग ड्यूटी होती है। और इनका प्रमोशन क्राइटेरिया, जे के बाद ये एसएससी बनते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पीवे, इसके बाद ये असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर एडीएन कहलाते हैं, उसके लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है सिलेक्ट, और फिर डीईएन, उसके बाद सीनियर डीईएन के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो इनके क्राइटेरिया बहुत अच्छे हैं। इंजीनियरिंग का दबदबा हमेशा रेलवे में रहा है, हमेशा आप देखेंगे कि बड़े बड़े पोस्ट पे इंजीनियर्स ही ज्यादा जाते हैं, इंजीनियरिंग का दबदबा रहा है हमेशा। और जेई पीवे ट्रैक के सभी रख रखाव के काम करते, किसी भी तरह का ट्रैक का अगर वर्क हो रहा है तो वो जेई पीवे ही करता है। और ये करियर रेलवे का जूनियर इंजीनियर करियर में वन ऑफ द बेस्ट करियर है। एज यूजुअल मैं सभी वीडियोज में कहते आ रहा हूं वन ऑफ द बेस्ट करियर, मतलब रियली मानिए ये भी वन ऑफ द बेस्ट करियर है, सैलरी वाइज, वर्किंग वाइज, और आपके अंदर में 100-150 ज्यादा लोग काम करते हैं तो वो एक फीलिंग भी आपको देता है कि आपके नीचे इतने लोग काम कर रहे हैं और आप उनके काम को अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हैं। ट्रैक मेंटेनेंस हमेशा होता है, इसके करियर ग्राफ आगे भी बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा इन इंजीनियर अगर आप हैं तो भी आप जेई के लिए एलिजिबल है, अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। पहले अगर 12th पास पीसीएम रहता था तो एक सुपरवाइजर का पोस्ट होता था, अब वो ऐसा नहीं रह गया, उसे हटा दिया गया है। और पहले होता था क्या कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता था, वो भी अब नहीं हो रहा है 4600 ग्रेड पे में। तो ये 42 से शुरुआत करते हैं और इनका करियर ग्राफ बहुत अच्छा है और ड्यूटी वाइज भी बहुत बेहतरीन है। डे ड्यूटी से नाइट ड्यूटी तो है ही नहीं इनको, अपने फ्लेक्सिबल ड्यूटी के हिसाब से वर्क करते हैं, कहीं भी काम करना रहता है तो सर्टेन परमिशन लेकर के परमिशन लिया जाता है, उस पर्टिकुलर परमिशन के टाइम में कोई ट्रेन नहीं चलती, वहां पे वो ट्रैक में बदलाव करते हैं, ट्रैक में कोई मेंटेनेंस करना है तो वो करते हैं, स्लीपर्स बदलने हैं स्लीपर्स बदलते हैं, किसी भी तरह का अगर बगल का अगर कोई भी मिट्टी भी डालना है ट्रैक पे तो वही करते हैं। समझ लिए ट्रैक के राजा यही है, ट्रैक के मालिक यही है, ट्रैक में कोई भी काम करवाना यही करवाते हैं। ये था जे परमानेंट वे इंस्पेक्टर पीडब्ल्यूआई के बारे में और इनके सैलरी स्लिप के बारे में। इनका सैलरी देखिएगा, इनका कई दिनों का जॉब हो गया है, इनके सैलरी स्लिप का देखिएगा तो मोर देन 90,000 का इनका है। इसमें आप देखिए टीए भी, बेसिक्स भी, सभी चीजें पड़ी हुई है, लेकिन अगर इनके सैलरी के ग्राफ को आप चेक करें तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये कितनी सैलरी इनकी नॉर्मली बनती है, बस वही है 35400 का स्टार्टिंग इनिशियल। उसके बाद आज के रेट के एक क्लास सिटी का एचआरए देखिएगा तो 9,500, लेकिन टेकन एज 10,000 तो 45,000 हो गए। इसके बाद 6,700 के आसपास एचआरए है अभी, तो ये बढ़ के आपका 11 तक हो जाएगा जुलाई में, लेकिन अभी 6,700 ही पकड़ते हैं तो 52। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 4,256 और कुछ और अलाउंस अगर जो होते हैं 57-58, उसमें डिडक्शन होता है 10% का बेसिक प्लस डीए का, तो अगर वो डिडक्शन करिएगा 4,450 कटता है और टीए मिलता है, तो लगभग 72-73 से लेकर 75 के बीच इनको
नेट सैलरी आ जाती है इनिशियल में, एवरीथिंग के हिसाब से, जॉब प्रमोशन सैलरी सभी के हिसाब से ये बहुत अच्छा करियर है, आप इसमें करियर बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।